हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल में वेलकम। तो आज हम बताएंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं कटहल का सब्जी बनाने के लिए। तो कटहल के सब्जी बनाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो देखिए, यहाँ हम अच्छे से छील के साफ कर लिए हैं कटहल, बारीक प्याज काट लिए हैं, दो चार हम गोटा लहसुन बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता, टमाटर ले लिए हैं सब। तो यहाँ हम मसाला के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला में हम लिए हैं लहसुन, अब दो चार अथी अदरक लिए हैं, लाल मिर्च लिए हैं, थोड़ी सी हम धनिया लिए हैं खड़ा, यहाँ हम जीरा मिर्च भी लिए हैं, थोड़ा सा हम खड़ा गरम मसाला डाल लेंगे। अब यहाँ मिक्सर में पीस लेंगे। तो हम यहाँ कढ़ाई गरम कर लिए हैं, डाल देंगे सरसों तेल। सरसों तेल हमारा गरम हो रहा है, अब उसमें हम लगाएंगे ये गोटा लहसुन। गोटा लहसुन को अच्छा तरह से हम छान लेंगे। तो देखिए, हमारा छान हो गया। अब हम उसमें डाल के कटहल को भी छान लेंगे अच्छी तरह से। कटहल को भी उसी में हम डालकर थोड़ा सा लाल भून लेंगे। देखिए, हमारा यहाँ कटहल भुना रहा है, ये भी भून के तैयार हो गया। तो इसमें हम थोड़ा सा हल्का नमक डालेंगे, अभी ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ कटहल भी भून के तैयार हो गया। इसको भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम लगाएंगे फ़ौरन, डालेंगे जीरा, दालचीनी, दो ठो इलायची डाले हैं उसमें हम, तेजपत्ता डालेंगे, डाल के अच्छी तरह से उसको भी 1-2 मिनट तक हम पका लेंगे। दो चार हरी मिर्च भी डाल दिए हम, अब अगर आपको पसंद है डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो उसमें बारीक कटा हुआ प्याज को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, हल्का सुनहला होने तक भून लेंगे उसको। प्याज में भी थोड़ा सा नमक डाले हैं हम, क्योंकि प्याज में नमक थोड़ा सा डालना जरूरी रहता है उसको भूनते समय, ताकि हमारा प्याज अच्छी तरह से गलने में आसानी हो। देखिए, हमारे यहाँ प्याज भी भून के तैयार हो गया है। उसमें डाल देंगे मसाला, मसाला को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। हल्दी भी डाल लेंगे, क्योंकि हल्दी हम नहीं पीसे थे, तो ऊपर से मैंने हल्दी डाली उसमें। तब उसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, 5 से 10 मिनट तक हल्का मीडियम आँच पर पका लेंगे, जब तक से मसाले से हमारा तेल ना छोड़ दे। अब उसमें हम दो टमाटर का पेस्ट बना लिए थे, उसको भी हम उसी में डालकर पका लेंगे अच्छी तरह से मीडियम आँच पर। तो देखिए, यहाँ हमारा सारा मसाला पक के तैयार हो गया है। अब उसमें हम ये लहसुन कटहल उसी में डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको भी हम भून लेंगे। उसमें अब हम स्वाद अनुसार अपने नमक डालेंगे। नमक आपको देखना है कि पहले भी आप नमक डाले हैं, उसी हिसाब से आपको नमक डालना है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। देखिए, हम अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लिए, भून लिए। अब हम अपने हिसाब से उसमें पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा रसा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो उसको हम तोप देंगे 5-10 मिनट के लिए, तोप के मीडियम आँच पर हम उसको पकाएंगे। तो देखिए, हमारा 5 मिनट 10 मिनट हो गया, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तभी थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा है तो उसको हम फिर तोप देंगे। तो देखिए, हमारा बन के सब्जी तैयार हो गया। उसमें हम थोड़ा सा कसूरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हम मीट मसाला भी डाले हैं, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के हम उसमें मिक्स कर देंगे। अब हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। मीट मसाला कोई मीट नहीं होता है, उसको सब्जी में यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमारा यहाँ सब्जी बन के तैयार हो गया है। अब हम उसके दूसरे कटोरी में भी हम ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो आप लोग का हमारा रेसिपी कैसा लगा? अगर आपको रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे नए नए रेसिपी। तो देखिए, कितना एकदम स्वादिष्ट चटपटा एकदम कटहल का सब्जी बन के तैयार हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।